होते हुए व्यवस्था परिवर्तन के नारे को बुलंद करते हुए अपना दल की स्थापना की। समूचे उत्तर भारत में अरबों खरबों लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस सामाजिक न्याय के आंदोलन को बढ़ाते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जो सामाजिक न्याय की एक मुखर वक्ता थे, उन्होंने इस बात को समझा और एहसास किया कि दलित, पिछड़ा, शोषित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किसान, कमेरा, मजदूर समाज इस देश में चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, जाति भेद के शोषण का शिकार होते होते आज हाशिए पर आ गया है। और इस समाज के उत्थान के लिए डॉक्टर साहब ने दिन रात काम किया। ये समझ लीजिए और समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जाति भेद के विरोध के आंदोलन एक लंबा चला सामाजिक आंदोलन और वंचितों शोषितों के हक मारी के विरोध के आंदोलन के बाद उनके गर्भ से अपना दल का जन्म हुआ है। और ये लड़ाई चल रही है। जब ये डॉक्टर साहब लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरी छोर पर 70 से 80 के दशक में लोहिया के समाजवादी आंदोलन से उभर करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की नींव रखने का काम किया। इस बात का एहसास है जो आज यहां बुजुर्गान बैठे हैं, उन्होंने वो हमारे दोनों ही पुरोधा चाहे समाजवादी सोच के रास्ते आगे बढ़े हों और चाहे सामाजिक न्याय के रास्ते आगे बढ़े हों, हमारे नेता, हमारे पुरोधा माननीय नेताजी और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने आजीवन अगर संघर्ष किया है तो संघर्ष किया है वंचितों को न्याय, हक, अधिकार दिलाने के लिए। और आज देखिए इस देश में स्थितियां क्या है। हिमालय की चोटी से लेकर समुद्र पर्यंत तक इस देश के 3200 किलोमीटर के फासले के एक एक इंच पर आज वो सामाजिक न्याय की विरोधी ताकतें आपको हाशिए पर लाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही। तो अब करना क्या है? अब सवाल ये उठता है कि करना क्या है। तो करना ये है कि यहां पर समाजवादी पार्टी की सोच के लोग, अपना दल की व्यवस्था परिवर्तन के सोच के लोग, जिनका समागम आज इस सभा में हुआ है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे पुरोधा